नेक्स्ट टॉपिक इज डिफ्यूजन। बेटा डिफ्यूजन हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में भी किया था, जब आपके पास आया था कि जो मैटर है वो पार्टिकल्स का बना होता है, पार्टिकल्स का साइज काफी स्मॉल होता है, उसको देखना तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन हम उसको प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट डिफ्यूजन एंड ब्राउनियन मोशन। ठीक है, तो बेटा डिफ्यूजन के बारे में आपको इतना तो मालूम होगा कि इसमें पार्टिकल्स मोशन में होते हैं, सेपरेट करते हैं, मिक्स करते हैं। सो द स्प्रेडिंग एंड मिक्सिंग ऑफ ए सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। बेटा पार्टिकल्स का स्प्रेड होना और मिक्स हो जाना दूसरे सब्सटेंस के साथ अपनी मोशन के कारण, इसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। ठीक है बेटा, अब डिफ्यूजन के कारण ही बेटा डिफ्यूजन तब तक होगी जब तक कि उन दोनों पार्टिकल्स मिक्स होके, वो दोनों पार्टिकल्स बेटा मिक्स होके एक यूनिफॉर्म मिक्सचर ना बना दें। चलो हम एक एग्जांपल करते हैं। वैसे तो ये एग्जांपल आपने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में भी की थी। आपके पास ब्रोमीन वेपर्स हैं जिनका कलर क्या होगा? रेडिश ब्राउन, और ऊपर आपके पास एयर है विच इज कलरलेस। ठीक है बेटा, अब कुछ देर बाद आप नोटिस करोगे कि पूरे का पूरा जो बीकर है या वेसल है दैट बिकम रेडिश ब्राउन इन कलर। इसका बेटा मीनिंग क्या हुआ कि जो एयर और ब्रोमीन है वो बेटा आपस में डिफ्यूज कर गए, मिक्स कर गए। अगर आप ये सोचोगे कि यहाँ पर तो एयर है ही नहीं, नहीं बेटा एयर भी वहीं पर है। एक्चुअली एयर कलरलेस थी, वो आपको नजर नहीं आएगी, वो बीच में मिक्स हो गई, डिफ्यूज वो भी हुई है। ठीक है, जैसे फिगर नंबर 29 का आपको इसका एक्चुअली जो कलर है, जो एक्सपेरिमेंट है वो दिखाया गया है। ऊपर वाले जार में और वेसल में एयर है, नीचे वाले बेटा उसमें ब्रोमीन वेपर्स हैं जो कि रेडिश ब्राउन कलर के होंगे। ठीक है, सो डिफ्यूजन बेटा एक ऐसी प्रॉपर्टी है मैटर की जो कि पार्टिकल्स की मूवमेंट या फिर मोशन से जुड़ी हुई है। अब डिफ्यूजन सॉलिड्स में भी होगी, लिक्विड्स में भी होगी, गैसेस में भी होगी, सभी में होगी। ठीक है, डिफ्यूजन बेटा सबसे फास्ट होती है गैसेस में, उससे कम लिक्विड्स में, उससे कम सॉलिड्स में। ठीक है बेटा, डिफ्यूजन का रेट सबसे ज्यादा किस में होता है? गैसेस में, उससे कम लिक्विड्स में, उससे भी कम सॉलिड्स में। क्लियर? और एक और पॉइंट, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंस। अगर बेटा आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी, पार्टिकल्स की डिफ्यूजन भी इंक्रीज होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ पार्टिकल्स के पास जो एनर्जी है वो इंक्रीज होगी, और एनर्जी इंक्रीज होने के कारण जो बेटा उनकी स्पीड है, वेलोसिटी है, मोशन है, वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है बेटा, सो डिफ्यूजन वाले फिनोमेना से हमें ये प्रूव हो रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। बेटा मतलब मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली चल रहे हैं, मूव हो रहे हैं। क्लियर? अब जैसा बेटा मैंने पहले आपको बताया था कि गैसेस में डिफ्यूजन सबसे फास्ट है, लिक्विड्स में उससे कम है, सॉलिड्स में उससे कम है, तो यहाँ पर आपके पास कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशंस होंगी जो अभी हमने स्टडी करनी है। जैसे कि डिफ्यूजन इन गैसेस वेरी फास्ट, एज यू नो बेटा गैसेस में काफी फास्ट है। ठीक है, गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो हर एक डायरेक्शन में बहुत ही फास्ट मूव करते हैं, और किसी भी गैस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो उसकी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। बेटा देखो, मैंने कहा था कि गैसेस में डिफ्यूजन सबसे फास्ट है, नो डाउट। ठीक है, गैसेस काफी फास्ट हर एक डायरेक्शन में मूव करेंगी, लेकिन उनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है बेटा वो डिपेंड करता है उनकी डेंसिटी के ऊपर। जितनी गैस हल्की होगी उतना ज्यादा फास्ट डिफ्यूज करेगी। ठीक है, जितनी बेटा गैस हल्की होगी उतना ज्यादा फास्ट डिफ्यूज करेगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, जब बेटा किचन में कुछ खाना बन रहा होता है थोड़ा उसकी स्मेल हमें काफी डिस्टेंस से भी आ जाती है, तो उसकी स्मेल आने का रीजन क्या है? जब बेटा खाना बन रहा होता है तो उसमें से कुछ सब्सटेंस बेटा, उसमें से कुछ सब्सटेंस गैसेस बन के बाहर आएंगे। ठीक है बेटा, और जो गैसेस हैं बेटा वो एयर के साथ मिक्स होके डिफ्यूज होंगे, और डिफ्यूज होने के कारण ही बेटा हमें उनकी स्मेल आती है। ठीक है, जिससे हम आइडिया लगा लेते हैं कि आज खाने में क्या बना है। क्लियर? सो
The smell of the food being cooked reaches us even from a considerable distance by the process of diffusion. ठीक है बेटा, clear? And if the fish is being fried in at home, then its peculiar sharp smell can be detected even when we are quite far off. ये जस्ट बेटा आपको फिर से एक मतलब कि ऑब्जर्वेशन ही है कि जब बेटा किसी खाने में फिश बन रही हो तो उसके जो काफी पेक्यूलर शार्प स्मेल है वो काफी डिस्टेंस से भी आ जाएगी, तो उसके आने का बेटा मेन कारण क्या होता है, दैट इज डिफ्यूजन। अब बेटा आपने यहाँ पर एक पॉइंट और नोट करना है कि जो गर्म खाना है, हॉट सिजलिंग फूड, इसकी स्मेल ज्यादा आती है एज कंपेयर टू द कोल्ड फूड, या फिर गर्म खाने की जो स्मेल है वो ज्यादा दूर से भी आ जाएगी, ठीक है, एज कंपेयर टू कोल्ड फूड। अब इसका रीजन क्या है, इसका बेटा रीजन है टेम्परेचर। आपको पहले बताया था कि जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, तो गर्म खाने में टेम्परेचर ज्यादा होता है तो उसमें डिफ्यूजन ज्यादा होगी, इसीलिए उसकी स्मेल काफी डिस्टेंस से भी आ जाएगी और कोल्ड फूड की बेटा इतनी ज्यादा डिफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। अब यही से आपका क्वेश्चन बन सकता है, द स्मेल ऑफ द हॉट सीजनिंग फूड रीच्स अस इवन व्हेन वी आर एट कंसीडरेबल डिस्टेंस, व्हाई? थोड़ा इसमें आपने यही एक्सप्लेन करना है, ड्यू टू टेम्परेचर उसमें डिफ्यूजन ज्यादा होगी, क्लियर। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है बेटा आपके पास, द फ्रेग्रेंस ऑफ बर्निंग इंसेंस स्टिक और अगरबत्ती। जब बेटा हम अगरबत्ती लगाते हैं तो उसकी जो स्मेल है बेटा वो भी पूरे रूम में या पूरे घर में फैल जाती है, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू डिफ्यूजन। ये सारी बेटा ऑब्जर्वेशन पहले आपने की हुई है, ठीक है। और जैसे आप कोई परफ्यूम लगाते हो या रूम स्प्रे यूज करोगे तो उसकी बेटा जो स्मेल है वो पूरे रूम में फैल जाएगी, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू डिफ्यूजन। हम बेटा अपने घर पर जो एलपीजी गैस यूज करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है ना, वैसे ना बेटा इसकी एक्चुअल में कोई स्मेल नहीं होती, इसमें एक स्मेलिंग सब्सटेंस ऐड करते हैं, इथाइल मरकैप्टन। सो एलपीजी की जो स्मेल है वो इथाइल मरकैप्टन के कारण होती है, ठीक है, ये आपने याद रखना है सब्सटेंस को, इथाइल मरकैप्टन। थोड़ा इसमें से आपके पास क्वेश्चन काफी बन गए, डिफ्यूजन को डिफाइन करो, डिफ्यूजन किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, लिक्विड्स में गैसेस में सबसे ज्यादा होगा, लिक्विड्स में उससे कम, सॉलिड्स में सबसे कम, जितनी गैस हल्की होगी उतनी डिफ्यूज ज्यादा करेगी, खाने की स्मेल डिफ्यूजन के कारण, अगरबत्ती की स्मेल डिफ्यूजन, अगरबत्ती का फैलना डिफ्यूजन के कारण, ठीक है बेटा। तो बेसिकली ये सब डिफ्यूजन है। अब बेटा आपको कुछ एग्जाम्पल लिक्विड्स की आई हुई है, ये बेटा आपने पहले की थी बिल्कुल स्टार्टिंग में ही, पोटाशियम परमैंगनेट शायद याद होगा आपको, ठीक है बेटा, अगर नहीं याद तो आप फर्स्ट वाला लेक्चर है जो देख सकते हो। पोटाशियम परमैंगनेट का पर्पल कलर होता है, जब आप उसको पानी में डालते हो तो सारे का बेटा सारा पानी पर्पल बन जाएगा, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू डिफ्यूजन। सेकेंड बेटा कॉपर सल्फेट, बेटा कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होगा, जब आप उसको पानी में डालोगे तो पूरा पानी ब्लू बन जाएगा, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू डिफ्यूजन। और थर्ड, पानी में इंक का स्प्रेड करना बेटा, इंक का, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू डिफ्यूजन, ठीक है। अब देखो ना, नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये बेटा हमारे लिए एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स के लिए काफी जरूरी है, ठीक है। तो जितने भी वाटर बॉडीज हैं जैसे कि पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए, रिवर, सीज, इन सभी में बेटा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। जो पानी वाले प्लांट हैं वो CO2 को यूज करके खाना बनाएंगे, ठीक है, और जो एनिमल्स हैं वो ऑक्सीजन को यूज करेंगे ब्रीदिंग के लिए, ठीक है बेटा, ब्रीदिंग के लिए यूज करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट और लास्ट, डिफ्यूजन इन सॉलिड्स। बेटा डिफ्यूजन सॉलिड्स में भी होती है, लेकिन सॉलिड्स में जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है ये काफी काफी ज्यादा स्लो होता है। जैसे मान लो आपने बेटा ब्लैक बोर्ड के ऊपर कुछ लिखा, अगर तो आपने उसको उसी टाइम रब कर दिया तो वो इजिली रब हो जाएगा, लेकिन बेटा अगर आपने उसको 10 से 15 दिन को छोड़ दिया पर उसको रब करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। अब डिफिकल्ट होने का रीजन क्या है, डिफ्यूजन, क्योंकि वहां पर भी क्या हो गई, डिफ्यूजन। सिमिलरली अगर बेटा आप दो मेटल ब्लॉक्स को बाउंड करके कुछ सालों के लिए, कुछ ईयर्स के लिए रख दोगे
थोड़ा उनमें वो दोनों बेटा मेटल के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे में डिफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है बेटा, सो ये था आपका लास्ट टॉपिक डिफ्यूजन, जिसमें आपने देखा डिफ्यूजन क्या होता है, किस किस टेम्परेचर मतलब किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। गैसेस में सबसे फास्ट है, लिक्विड्स में उससे स्लो है, गैसेस और सॉलिड्स में उससे भी स्लो है, और हर केस में आपने एग्जाम्पल्स कर ली। ठीक है, आई होप सो दिस विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू।